नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर संभाग के सड़क हादसे ने पूरे संभाग को गमगीन कर दिया है। जी हाँ, दरअसल सागर में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हुई है। कार से दमोह से लौट रहे थे चार दोस्त। गड़ाकोटा मार्ग पर वाहन ने मारी है टक्कर, एक गंभीर घायल हुआ है। दरअसल हम आपको बता दें कि सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सागर गड़ाकोटा मार्ग पर तेज रफ्तार कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार तीन दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर घायल हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। हम आपको बता दें कि सूचना के अनुसार पुष्पेंद्र राजपूत उम्र 30 वर्ष, सूरज गोरखा 29 वर्ष और अभिनव तिवारी 30 वर्ष सभी निवासी मकरोनिया और कुलदीप यादव 35 वर्ष निवासी भैंसा शुक्रवार रात कार क्रमांक MP15CB2230 में सवार होकर दमोह से सागर की ओर आ रहे थे। कार कुलदीप चला रहा था। इसी दौरान रात करीब 2 बजे सागर गड़ाकोटा मार्ग पर बहेरिया थाना क्षेत्र में स्थित कार शोरूम के सामने अज्ञात भारी वाहन ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। दुर्घटना में पुष्पेंद्र राजपूत, सूरज और अभिनव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कुलदीप गंभीर घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। एडिशनल SP विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया है कि देर रात कार दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हुई है, एक घायल है। दमोह की ओर से कार सागर की तरफ आ रही थी। मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। लेकिन दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे ने पूरे सागर जिले में गमगीन माहौल कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।